वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। 6 जून 1984 की याद और समूह शहीदों की याद को समर्पित पिंड मीरा चक अड्डा मेहता रोड विखे मौजूदा मुखी सिंह साहब जथेदार बाबा मेजर सिंह सोढ़ी मुखी की अगवाई विच लंगर अते ठंडा मिठा जल लगाया गया। सितारे जान दी रिपोर्ट। की कहना चाहते जो अज समागम हो रहे हैं? अज घल्लूघर दिवस मनाया जा रहा है, जो 6 जून 1984 को समय की हाक में सरकार वालों साडे सिखां दे धार्मिक इतिहासक स्थान हैडक्वाटर स्थान श्री दरबार साहिब तख्त श्री अकाल तख्त साहब विखे हमला करके जो सिख संगतां दे हिरदे वलूंदरे सन, सो इस दिन नूं याद करके संगतां धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में पछताप कर रही हैं कि आने वाले समय के सुख शांति रहे। श्री अकाल तख्त साहब के दर्शन करके संगतां महिता मुखी द जो मुख्य स्थान दमदमी टकसाल संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवालिया के शहीदी समागम उत्थे मनाए जा रहे, संगतां इत्थों जा रही हैं। सो संगतां वास्ते श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दा इलाके की संगत ने एकत्र हो करके ठंडे मिठे जल दियां इत्थे छबीलां लाईयां। अड्डा मीरा चक गुरद्वारा निशाने खालसा विखे ये संगतां दे उपराले दे नाल सहयोग नाल तो गुरु के लंगर चल रहे हैं। सारिया संगतां नूं जी आया धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार ते प्रचार सेवा ये श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल वालों सिंह साहब जथेदार बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी जिन्होंने सानू बहुत ही सत्कार अते माण दे नाल थापड़ा दे के जथे नू जड़ी अपना नशे करदे आ जां होर अपना धीआं दे नाल कोई गलत काम हो रहे आ इन्हां चीज़ां नू ध्यान दे विच रखदे होए बाबा जी ने थापड़ा दिता वा। अते बाकी असाईमत जिहड़ा असाईमत बहुत ही ज़्यादा फैल रहा वा तो असं चाहते हाँ भी चलो जो तो असाई पक्के तौर देते गए उन्होंने तो चलो आप कोई गल नहीं है, पर जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया वा जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया वा जेडे अपने धर्म में छड़ के दूसरे धर्म में जा रहे असी उन्होंने गाड़ी पहली गल तो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि गुरु प्यारियो कि जो गुरु साहब ने सानू कलगीधर पातशाह ने बहुत ही ज़्यादा वधिया तरीके नाल अमृत की पान छका के सानू गुरु साहब ने धोया सीगा ते आपां उस तरह पंथ की सेवा करिए। जो बाबा जी अज समागम हो रहा समागम जदों इंदिरा पापण ने गुरु साहब दरबार साहब ते टैंक चढ़ा के ते साडे धर्म की बेअदबी कीती सीगी ते उन्हां दे संबंध में सारिया संगतां इकट्ठियां हुई वा। तो बाकी अपना ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने सवेरे आदेश दिता बहुत वधिया आदेश दिता वा उन्होंने कौम नूं सीधा सलाह लिया भी लोग तो चलो लोग के जिहड़े शस्त्रां की सिक्ख्या देंदे आ ते असी खुल्लेआम जिहड़ी आ उह सिक्ख्या देवांगे। तो अज गुरु अर्जन देव जी का दिहाड़ा वा तो संगतां इत्थे इकट्ठियां हुई वा तो जथेदार बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी उन्होंने भी इत्थे बहुत वधिया अपना समागम चल रहा वा तो हुण असीं मेहते नूं चाले पावांगे तो उत्थे जो साडा प्रोग्राम चल रहा वा असीं उत्थे जा के बाकी अपना प्रबंध करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो ये शहीदी पुरब धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का जिन्हां ने सबर नाल जबर का मुकाबला किया हर साल की तरह खालसा पंथ ये शहीदी समागम मना रहा सी ते जालम सरकार ने 1984 दे विच इस समागम शांतमई समागम के उत्ते फौजी हमला करके साडे दरबारां नूं ठेस पहुँचाई साडे हिरदिआं नूं चोट पहुँचाई ते ओ मर्द अगंबड़े जिहड़े जालम सरकार दीआं फौजां नाल जूझदे होए शहीद होए वो भी इस माला च परोए गए। इन्हां शहीदी समागमां नूं ते इन्हां जख्मां नूं अल्लाह रखण वास्ते ताज़ा रखण वास्ते हर साल की तरह नौजवान
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ ਦਲ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ 1300 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।